अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल का इंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नावल पढ़ रहे थे दहशत वहशत, जिसके राइटर हैं महविश अली। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। अरबी को वो गहरी नींद में सोई हुई थी। दफातर इसे अपनी कमर पर हाथ की मजबूत उंगलियाँ सरकती हुई महसूस हुई। रात का जाने कौन सा पहर था जब इसे आहिस्ता से अपने सार में वो कैद कर रहा था। इसकी शिद्दत जुनून पर वो कसमसाई। इसे अपने पास इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। इसके कलोन की खुशबू से नींद की वादियों में उतरती हुई रुलैन की सांसों में रवानी आ गई। जब मैं तुम्हें सब पहले बता दिया था कि तुम्हें बहादुर बनना है, फिर जानकर अनजान क्यों बन गई और खुद को इतनी तकलीफ क्यों दी। इसकी कमर में अपना मजबूत बाजू डालते हुए इसे अपनी तरफ खिसकाया और वे सरकती इसके सीने से लगी। इसके लम्स को पाते ही इसके वजूद में सरसराहट सी होने लगी। पोर पोर में सर्द लहरें उठने लगी। हालांकि वो इसका आलम था जिससे वो अब डर रही थी, ना चाहते हुए भी। इसकी उंगलियां रींगती इसके गर्दन पर आई और इसके गर्दन पर बिखरे बालों को समेटकर वहां पर झुकते इसने अपने लब रखे और इसकी खुशबू में गहरा सांस भरकर इसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारा। वो जो मध्यम सी सांसें भर रही थी एकदम से इसके दहकते लम्स को गर्दन पर महसूस करते इसके अहसार में मचली। सांसों ने शोर मचाते धड़कने बढ़ा दी। इसका पोर्स पूरा सरापा धड़कन बन गया। इसे मचलते देखकर वो पूरे इसरार से मुस्कुराया। वो अपने श पर इससे साकित पाकर बार बार लबों को तर करते देखकर निचले लब के किनारे पर उंगली फेरी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब दो ऐन, मुसलसल खामोशी पर सर्द लहजे में कहते इसने बंद मुट्ठी को अपनी गिरफ्त में लिया। मजबूर थी मैं, आप जानते हैं। वो जानती थी कि इसकी सांसों से समझ गया था कि वो जाग रही है। हालांकि इसने बड़ी कोशिश की थी कि वो समझे सो रही है, पर वो क्या कभी इस शख्स से झूठ बोलकर बच पाई है। कहने के साथ इसने इसकी सिम से चेहरे का रुख घुमाया। तुम मजबूर नहीं मेरी हो और मेरी ऐन मजबूर नहीं मजबूत होनी चाहिए। इसके बालों में उंगलियां उलझाकर आलम ने झटके से इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। वो कांप सी गई इसके बर्ताव पर। मैं आपके होने से मजबूत हूं, इसके लब फड़फड़ाए। मैं तुम्हारे पास ही था, फिर क्यों कमजोर हुई। झुककर इसकी सांसों की रवानी को अपनी दहकती आग पानी सांसों से उलझाते इसे तड़पा रहा था। पास नहीं थे, अगर होते तो कभी मेरी पलकों को नम होने की इजाजत नहीं देते। वो इसके गिरफ्त से हाथ निकालकर इसकी सांसों पर रख गई। वो जल रही थी, इसकी आग मानी सांसों से मजीद सहन ना कर सकी तो सामने हाथ कर दिया। मुझे तकलीफ हो रही है, इसके लहजे में इल्तिजा थी, मासूमियत बेबसी। मुझे भी तकलीफ होती है जब तुम्हारे आंसुओं का सोचता था, होती थी मुझे तकलीफ जब तुम्हारी कमजोरी को महसूस करता था। महसूस मुझे अपनी सांसों अपनी रूह से किया करो, सहारे से नहीं। सहारा मैं नहीं तुम्हारा, तुम्हारा सहारा वो है जिसे तुम तकलीफ में याद करती हो। इसने अपनी जेब से रुमाल निकालते इसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर सर के ऊपर बांध दिया। आलम, इसके बदलते सर्द लहजे अपनी बंदी कलाइयों को महसूस करते खौफ से सांसें खुश्क हो गई। किसके असार में वो मचल उठी। जब आप जानते हैं मैं कमजोर हूं, फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो खौफसदा अपनी कलाइयां खोलने के लिए मछली। इसका आलम तो ऐसा नहीं था, क्योंकि तुम्हें मुकम्मल अपने सार में लेना चाहता हूँ, तुम्हें बेबसी का जायका चखाना चाहता हूँ। इसके माथे पर उंगलियों के पोर पर बाल समेट कर झुककर बारी लहजे में सरगोशी की। मैं आपके सार में हूँ मुकम्मल, मुझे बेबस करके आपको क्या मिलेगा आलम। अपनी गर्दन पर इसकी मूछों को चिभन महसूस करके सिमट कर कहा। तुम मेरी हो, ये तुम जानती हो, तुम मेरी रहोगी, ये तुम जान लो। आज के आलम ऐन से दूर नहीं हो सकता कि फिर ऐन क्यों रोकर इसे तकलीफ देती है। इसकी आंखों को चूमता इसके नाक को लबों से छूने लगा। हूं ने इसके लम्स पर मुस्कुराते तकिए को मुट्ठी में भींच लिया। मैं नहीं जान सकती, ना आज ना ही कल। अगर चाहते हैं कि मैं आप जान लूं तो आपको मुझे जिंदगी की आखिरी सांस तक याद दिलाना पड़ेगा कि आलम मेरा है और ऐन इसकी। मैं एक दिमाग से कमजोर लड़की हूं, अगर आप मुझे हर सांस के साथ यकीन दिलाएंगे मैं ऐन तुम आलम की हो
तब मुझे याद रहेगा, वरना मैं सांस लेना भी भूल सकती हूँ। याद रखना, वो इसके रुखसार से अपनी नाक से हिला रहा था जब इसके अल्फाज सुने और पूरे ऐसरा सा मुस्कुरा कर इसकी बंद पट्टी की आंखों को देखा। बांधकर पट्टी आग से नहीं खेलते शहजादी, याद रखने का कौन कह रहा है? तुमसे कह कौन रहा है कि तुम याद रखो, तुम आलम की हो। मैंने पूछकर तुम्हें हासिल नहीं किया था, तुम्हें देखकर तुम पर हक जमा लिया कि तुम मेरी हो। इसके कमर के गिद्धे सार डालते इसे खींचकर सीने से लगाया। मैंने आग को दिल दिया है, आप खेलने की बात करते हैं? मैं तो दिल देकर बैठी हूं सहीर। आलम के निशान पर अपने लब रखते आस्था से नाक खाल पर सरकाकर इसकी नाक के करीब रखते इसकी आग जैसी सांसों को महसूस करते मुस्कुराई। वो इसकी हिम्मत पर मुस्कुराता अंगूठे से इसकी शारक सहलाने लगा। इसके लम्स की हरारत पर वो तड़क कर दूर होने लगी, पर कमर में मौजूद इसके असार से फड़फड़ा कर रह गई। क्या हुआ, डर गई? वो इसके पीछे होने पर हंसा। आलम, वो लब भींच कर मिनमिनाती रह गई। मेरी शहजादी, सईर का साया भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपने आलम को चाहो, जो तुम्हारे लिए बर्फ है, पिघल सकता है तुम्हें समेट भी। सईर तुम्हारे लिए नहीं, इसके बालों में उंगलियों को सहलाते इसने कान में कहा और कान की लू को अपने दांतों में दबा लिया। मुझ में हिम्मत है, बहादुर हूँ तब जब आप होंगे पास। मैं कमजोर हूँ, बुजदिल भी हूँ तब जब आप पास नहीं होंगे। और मैं ऐन सईर आलम हूँ, इसको बदलने की ये दुनिया ताकत नहीं रखती। वो जानती थी वो इसे सताना चाहता है, इसे तकलीफ में देखना तो आलम ने कभी सोचा भी नहीं था, देना तो दूर की बात है। अभी भी इसके दांतों की नरम गरम से वो खिलखिला उठी। आप मुझे तकलीफ नहीं दे सकते, मान ले। इसे अपनी बंदी कलाइयों का हार इसके गले में डाला। इतना गरूर? वो मोहब्बत से इसके खिलखिलाहट देखता भारी लहजे में गोया हुआ। आलम जानता था वो सच कह रही है, वो कहां अपनी ऐन को तकलीफ में देख सकता था, जिसे पा लेने के लिए वो जान देने के लिए तैयार था। क्या इसे तकलीफ दे सकता था, जिसे तकलीफ से बचाने के लिए वो अपने दुश्मन के सामने हार उठा था, इसे अपने हथियार अपना वजूद सब सौंप दिया था। इसकी चाल को समझते हुए भी इसे खुद को सौंप दिया, बल्कि अपनी बहन के गुनाहगारों को अपनी आंखों के सामने सांसें चलते देख रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि ऐन को तकलीफ ना हो। हाँ है, और मैं हूँ मगरूर, क्योंकि मेरे पास मेरा शहजादा है, मेरे ख्वाबों का शहजादा। इसके माथे पर बोसा देकर बोली और मजीद हिम्मत दिखाती इसकी चौड़ी पेशानी में अपनी पेशानी टका कर अपनी छोटी सी नाक इसकी नाक से मिलाई। वह धड़कते दिल से इसकी मूछों को लबों से छुआ। वो खामोश बगैर कुछ कहे इसकी शरारतें देख रहा था, मुतबस्सम सा। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता? इसके कहने के साथ ही इसकी कमर को झटका दिया। इसके लब जो फासला रखे हुए थे इसकी हरकत पर बिल्कुल वो मिट गया। वो रोलन सहम कर साकित सी हो गई। ये तुम्हारी मोहब्बत समझो या बहादुरी? शोल्डरलेस पिंक जालीदार लॉन्ग फ्रॉक में वो अपनी दमकती बेदाग रंगत, आंखों पर बंधी सफेद पट्टी रेशम से तराज स्याह बाल पुश्त के साथ इसके बिस्तर पर फैले हुए थे। इसके लम्स पर नकूश में उभरती सुर्खी, मजबूत हिसार में पड़ी वो किसी हूर से कम नहीं थी। ये मेरा जुनून समझे आप? वो गर्दन अकड़ाने लगी ताकि जरा सा फासला बनाए, अपने सांसों को इजाजत दे आजादी की। पर वो इसके लम्स को महसूस कर रहा था, इसमें कसमसाहट देखते एकदम इस पर गिरफ्त तंग कर दी। आप ये क्या कर रहे हैं? यक्के बैक वो पजल सी हो गई। प्यार, अपनी ऐन को प्यार करना चाहता हूँ, इसे सहमते पाकर वो कहके लगा उठा। कोई ऐसे प्यार करता है? इसके गर्दन में मुंह छुपाकर इसने शर्म से घुटी आवाज में कहा। अच्छा, तो कैसे करते हैं मुझे बताओ? इसके असार में सिमट कर इसके शोल्डर पर लब रखते इसने शरारत से कहा और वो करवट बदली। मैं सच में बताऊं, फिर वैसे ही करेंगे? कुछ देर सोचने पर इसने कहा। वैसे ही करूंगा मेरा बच्चा। बाल समेटने इसने उंगलियां में सहलाई। इसके राजी होने पर हूर ने लब दांतों में बीच लिए और आलम इसकी बढ़ती धड़कने महसूस करता हंसा। ऐसे एकदम उचक कर इसने इसके गाल पर लब रखे और फिर से इसके सीने में छुप गई। इतनी तेजी से इसके प्यार करने और झनकने पर वो ना चाहते हुए भी कहका लगा उठा। ना, मैं ऐसे प्यार कर सकता हूँ, ना ही ऐसे छुप सकता हूँ। हाँ, ये बात अलग है, अगर तुम चाहती हो तो यहाँ प्यार कर सकता हूँ। इसकी ठोड़ी को पकड़कर चेहरा ऊंचा करते इसने ठोड़ी पर लब रखते इसकी दोनों फूली गालों को छुआ।
आलम, मैं आपको कब देखूंगी? मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए ये आंखें अभी तक रोशनी दुनिया से छुपाई हैं, ताकि इन पर सबसे पहले जिसका हक है इसका हक अदा कर सकूं। वो मुस्कुराती अपने दिल की बात बोलने लगी। और मैं इसमें पूरा साथ दूंगा, बल्कि इन आंखों पर हक अदा करूंगा जिसका है। थोड़ा सब्र करो मेरी शहजादी, फिर देख लेना अपने आलम को जी भर कर। इसकी दोनों आंखों को चूमकर इसने इसकी कलाइयां खोल दी, क्योंकि इसे अपनी ऐन बेबस पसंद नहीं आ रही थी, और वो तो पहले ही जानती थी। ये तो सिर्फ इसे डरा रहा था और वो डर जाए, पर वो जितना हो सकता था डट गई। एक वाहिद दुनिया में वजूद था जो कि सही आलम के सामने डटे और जिद करके मनमाने की ताकत रखती थी, तो फिर वो कैसे ना होती बहादुर, मजबूत, मकरूर। जैसा आप चाहें, मैं अब फरमाबरदार बीवी हूँ। वो नहीं जानती थी इसका जुमला इस पर भारी होने वाला है। वो तो अपने आलम के सामने हमेशा अच्छी रहना चाहती थी निस्बतन दूसरी लड़कियों के, और आलम ये नहीं जानता था वो ये सब किस बेवकूफ़ी में करती है कि इसका आलम किसी और की तरफ ना देखे। और अब तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि अल्लाह ने इसे नूर दे दिया था वो अपने आलम को देख सके, दूसरी चुड़ैलों की नज़र से महफूज रखे। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि इसकी ऐन इन चंद लम्हात में इसके आने से ही वो कितना कुछ मुस्तकबिल का सोच चुकी थी। अभी भी वो सोचती आलम के नकुश को उंगलियों के नरम पोरों पर महसूस करती, अपने घर जाकर इसके काम अपने हाथ से करने का सोच रही थी, जबकि जैसे हक जताकर आलम इसे करता था। चलो अब अपनी फरमाबरदारी दिखाओ और खुद को मेरे सुपुर्द कर दो, इसकी कमर सहलाता वो हूर के फूली गालों पर अपनी नाक सहला रहा था जिसे हूर की सांसें उखड़ रही थी। अचानक से छूता इसका लम्स इसकी हल्की सी बढ़ती हुई दाढ़ी घनी मूछों की चुभन से हमकर रख देती थी। वो बात घुमाने की अपनी सी कोशिश करने लगी। आलम, अब मैं आपके कपड़े पसंद करूंगी और खाना भी बनाऊंगी, इसने कहने के साथ अपनी उंगलियां इसके बालों में फंसा दी। वो जैसे करीब करता जा रहा था ऐन को ही मुश्किल पेश आ रही थी सांस लेने में। वो इसकी सांस अपने चेहरे पर अपनी सांसों में महसूस करना चाहता था, पर वो ग्रेस बरत रही थी जो आलम को जरा पसंद नहीं आ रहा था। वो ऐसा से इसकी कमर में अपने बाजू के गिरफ्त मजबूत करता ऐन के नाजुक से सरापे पर मोहब्बत का साया बनकर झुकाया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वैसा ही रहेगा जिससे मालूम हो मेरी शहजादी, मेरी ऐन मेरी शहजादी है। और अब तुम खुद को बचाने के लिए बचकाना हरकतें छोड़ दो और फरमाबरदार बीवी होकर अपने आलम पर वही जुनूनी मोहब्बत दिखाओ जो अब खुद तुम्हें दिखाने वाला है। आंखें मूंदे पड़ी ऐन सहम कर अपने लब तर करने लगी। इसकी बढ़ती सांसें बार बार हलक और लब खुश्क कर रही थी, जिन पर वह जुबान फेरती कोई प्यासी मछली लग रही थी। तुम्हारी यही अदाएं तो जुनूनी बनाती हैं, इसके बालों में उंगली फंसाकर इसने झटके से सर उठाया और अपने करीब करते इसकी हरकत देखकर बोला। वो एकदम साकित खामोश हो गई, बल्कि सांसें भी रुक रुक कर चलने लगी। दफाता अंधेरे में इसका साया महसूस करती वो बेबस सी इसके सार में चिड़िया की तरह सहमी पड़ी। अपनी शहरक पर एक दहकता लम्स पाती मचल उठी कि इसकी मजहमत पर मोहब्बत से करते आलम ने इसकी कलाइयां तकिए से लगा दी। आलम, मुझे डर लग रहा है, इसके लम्स में मोहब्बत नरमी होने के बावजूद सहम रही थी। क्यों? आलम ने मुस्कुराते इसकी गाल सहलाई। हूर क्या कहती, बस वो खुद सहम रही थी साल बाद इसके सार में आकर। पता नहीं, इससे नफी में सर हिलाते बेचारगी से लब काटने लगी, जिसे देखते आलम ने फौरन उंगली से इसके लब को आजाद करवाया और इस आदत पर इसे सख्ती से घूरा। मैंने कितनी दफा कहा है ऐसी बुरी आदतें मत अपनाया करो, वो सख्ती से बोला और फौरन खामोश हो गया इसकी कंडीशन देखते। अच्छा बताओ, किससे डर लग रहा है मेरी शहजादी को? इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर इसने माथे पर लब रखे। मालूम नहीं, वो झिझक कर कहती इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। मैं मालूम करूं? वो जुमाइनी लहजे में गोया होता हूर को समेटने पर मजबूर कर गया और वह इसके गिट बाजू डालकर इसमें छुपने लगी। दिल में जाना चाहती हो? वो मोहब्बत से कहता दोनों को ऊपर ब्लैंकेट डालकर इसके सर पर बोसा दिया। हाँ, दिल में क्यों? आप तो पूरे मेरे हैं, मैं आपकी रूह में उतर चुकी हूँ सईद आलम, इसके बाजू से सर उठाकर इसने गौर से कहा और इसका यह गुरूर आलम को बहुत भा रहा था। कोई शक? कमकी लहजे में कहते हुए झुककर इस पर अपनी शिद्दत लुटाने लगा। हुरुलैन ने इसकी शर्ट को मुट्ठी में भींचा तब वो मजीद शिद्दत पसंद हो गया और इसकी कमर को सहलाने लगा। अब हुआ डर खत्म, इसके बाजू पर डालकर इसने मोहब्बत से गाल सहलाया। बहुत बुरे हैं आप सच में बुरे हैं,
पहले चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं, फिर डांटते हैं, रोक टोक करते हैं। आलम अब सच में बुरे हैं, आते हुए मेरे बेबी के कपड़े नहीं लाए। मैं इसकी शादी मौका मिलते ही, इसलिए सेल खुल चुकी थी। इसकी सारी शिकायत सुनते इसने सुई फिर से बेबी की तरफ जाते देखकर इसने फौरन से मुंह हाथ पर टिकाया। तुम इस कुत्ते को गोली मारो वरना मैं मारूंगा। तुम्हारी हर बात हमारी कुर्बत तन्हाई में वो टांग जरूर अड़ाता है। मुझे खुद अजीब लग रहा है कि मैंने अभी से जिंदा रखा हुआ है, क्यों है? तुम इसे भूल जाओ वरना ये जो रोशनी की उम्मीद में बोलने की गुस्ताखियां कर रही हो, मैं इससे महरूम कर दूंगा तुम्हें। वो सर्द लहजे में इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर बोलता ऐन को शस्तर कर गया। आलम, कामते लबों से इसने नाम लेती सिसकी, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। रोने की वजह समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? मेरी हो सिर्फ मेरी, नहीं पसंद आता मुझे तुम्हारे लबों से किसी और का नाम, नहीं पसंद आता मुझे सोच में किसी दूसरे को, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान, बेजान चीज हो। मेरे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए तुम्हारी सोच और विचार में, इस दिलो दिमाग में, हत्ता के मुझे तुम्हारे लबों पर सिर्फ आलम चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तुम्हारे वजूद पर किसी के मुंतखिब करदा कपड़े, तो तुम्हारी सोच में कैसे कर सकता हूँ ऐन? तुम ठीक कहती हो, मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हारी सोच वहां नहीं पहुंच सकती जहां तक मैं बुरा हूँ, पर तुम्हारे साथ मैं अच्छा हूँ। तुम पर धूप का साया बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी के सख्त लहजे की आज, किसी का हुक्म, मेरे अलावा तुम पर कोई मोहब्बत अपनाइयत से देखे मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो बर्फ से ठंडे लहजे में जुनूनी अंदाज में बोलता, इस पर क्या कुछ बावर करवा गया था। और हमेशा की तरह इसे पागल करके इसके कॉलर को मुट्ठी में पीछे शर्ट पर रोने की वजह से बहती नाक साफ कर रही थी। समझी? इसका चेहरा ऊपर उठाकर इसने गुस्से से पूछा। जी, वो जोरों शोरों से सर हिलाया। शाबाश, रोते नहीं बस। फिल फूर इसके आंसू साफ करता इसका गोश में भरकर थपथपाया। मैं बेबी की शादी कराऊंगी, आप मत आइएगा, मैं इसे गोली भी नहीं मारूंगी, इसके बच्चों में से और हमारा बेटा खेलेगा। हमेशा की तरह जलते हुए बेबी से मुझे बीसी बता चुकी है, आप हमारे बेटे से जलते हैं, मेरे बेबी से जलते हैं, ताकि मिस्ती से जलते हैं, मुझे सब वो बता कर गई है, इसने सूसू करते कहा। एक तरह से बात अलग थी, हुरुलैन के मुताबिक पर आलम के सामने वही बेबी वाली सुई अटकी हुई थी। वो यहाँ आकर आलम सही आलम का जब्त आजमाया जाता था, यहाँ आकर वो महसूस करता था बेबसी और मजबूरी क्या है, मोहब्बत के सामने बेबस किस बला का नाम है। वो हैवान भी बेबस हो जाता था जो दुनिया को उंगली पर नचाता, खौफ और दबदबे से बड़े बड़े गैंगस्टर, माफिया, डॉन, सीरियल किलर इसके नाम से खौफ के सार में कैद होते थे। और यहाँ वह खौफ और वहशत पर बादशाहियत करने वाला बंदा खामोश बेबस पड़ा इसे तक रहा था। तुम्हें इस मिसनी औरत ने मेरे बारे में और कुछ नहीं बताया? इसने पूछकर लब भीजे। क्या दिन आ गए थे, एक बेस्ट इस मिसनी औरत की बातें पूछ रहा था, वो कैसे भूल गया? आम सी बात है, अगर सईद की बीवी मुस्कान के पास हो तो वो कैसे नहीं इसे बिगाड़ेगी, क्यों नहीं भड़काएगी? क्या बता कर गई है इसकी बीवी को कि वो जलता है, सईद आलम जलता है? सोचकर इसने लब भीजे। बताया ना कि आलम बहुत अच्छा है, वो अपनी ऐन पर कभी गुस्सा नहीं हो सकता, चाहे ऐन कुछ भी कर ले वो अपनी ऐन को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इसे ऐन की जिद पसंद है पर वो बताएगा नहीं, इसे ऐन का गुस्सा पसंद है पर वो बताएगा नहीं, बल्कि मैं मिट्टी में खेल सकती हूँ, हमारे घर चलकर आपके फूलों से खेल सकती हूँ, और आप बड़ी सी पार्टी अरेंज करवाएंगे ताकि मैं और हमारे बेबी की शादी और अपने बेटे का तारुफ हो सके। आप बहुत अच्छे हैं आलम, वो एकदम रोना भूलकर खुशी से चहकती खामोश पड़े आलम की गर्दन में बाजू डाले माथे पर बोसा देती। इसे जैसे बेबसी की मौत मारने लगी, पर वह सदा का मतलबी शख्स कैसे अपने मतलब को मार सकता था। मेरी शहजादी, इन सब में तुम्हें एक बात बताऊं? वो मुतबस्सम होकर इसकी पंखुड़ियों से सुर्ख लबों पर जसारत करते इसे पास किया। जी, वो इसकी जसारत पर झनक गई। ये सब कुछ जो तुम्हें वो मीसनी औरत बता कर गई है, वो सब मेरे मिजाज के खिलाफ है। इसने तुम्हें हकीकत नहीं बताई, बल्कि हकीकत के बरकस झूठ बताया है, ताकि तुम मेरी गैरहाजिरी में बहल जाओ, और तुम सदा की मासूम मेरा बच्चा इस पर यकीन कर लिया। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा आलम आ गया है ना, तुम्हारे दिमाग के ढीले स्क्रू सेट कर देगा। इसके सर पर हाथ फेरते से मोहब्बत हो तो हमल से समझाया, और हुरैन तो अभी कुछ समझ नहीं पा रही थी, उनको की तरह इसके असार में पड़ी थी।
मैं समझ गई। तुम्हें समझा कौन रहा है? इसने कहकर लगाते इसे खुद में भींचा और इसे उफ करने कहने की मोहलत दिए गए। इस पर अपनी तमाम तशद्दुदों के साथ झुक गया। मैं समझ, वो गुस्से से घुराने लगी थी कि एक बार फिर वो इस पर हंसते। इसके गुस्से तैशता और एहतजाज को खुद में समेटता इसकी सांसों को कतरा कतरा पीने लगा। इसकी बेबाकियों, मोहब्बत, नरमियों, गुस्ताखियों पर वो सारे जज्बात हार कर शर्म से इसकी बाहों में छुप गई। रात रफ्तार रफ्तार सिरकती गई और सिसक कर इंतजार करती हुई रुलैन अपने सबर का इनाम में अपनी चाहतों के मजबूत एहसार में थी, जहाँ इसका शहजादा इस पर मोहब्बत की बारिश बरसाता इसे खुद में समेट रहा था। और वह शर्माई अलझाई सी इसकी तंग गिरफ्त में अपने पोर पोर पर इसकी शिद्दत भरा लम्स झेलती, लबों पर शर्मगीन मुस्कुराहट सजाए हुए थी, चेहरे पर अपने महबूब शोहर को पाकर रंग रखसा थे। धड़कन इसकी गुस्ताखी और पर उथल पुथल मचाई हुई थी। सांसें तो पहले ही इसके सार में आते ही बिखरी थी। इस याद सारी दुनिया फिजाएं गुनगुनाती महसूस हो रही थी। मौसम सर्द था जिसे बाहर बर्फ गिर रही हो। वो अपने महबूब शोहर के सार में अंगड़ाई लेती इसके कंधे पर सर रखकर एक जहां और दुनिया में खो गई। इसकी आंखों में एक दुनिया बाद थी, एक खूबसूरत फेरी टेल की दुनिया, जहां एक फतेह आलम शहजादे के पास इसकी प्रिंसेस बेटा सारी वहशतें, तकलीफें, दुख झेलकर अब एक बड़े से महल में अपनी फैमिली के साथ बैठा था, जहां हर तरफ फूल ही फूल थे। फूलों, परिंदों के बीच बहता शफाफ पानी का झरना, रंग बिरंगी तितलियों के रक्स, फिजा में फैली फूलों की महसूर की खुशबू, वो जमीन पर नाचता मत होश मोर। आलम कितनी खूबसूरत है ना, वो ख्यालों में खोई हुई बोली। तुमसे कम, खमारुलूदा निगाहों से इसके सरापे को देखते हुए वो इसके माथे पर बोसा दिया। आलम, मैं दुनिया के बारे में हूँ, वो शर्मा कर लपतपाती इसके बालों को पकड़ कर झिझोड़ने लगी। मैं भी इसी के बारे में कह रहा हूँ। तुमसे कुछ हसीन नहीं, वो खिलखिला उठी। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसके सवाल पूछने पर खुद शर्म आ गई। हालांकि इसे अंदाज़ा था, क्योंकि वो इसे कई बार इसके नक्रोश के बारे में बता चुका था कि वो बहुत हसीन है, गैर मामूली हसीन की मालिक है। पर वो मुतमईन नहीं होती थी, इसे डर होता था कि कोई इसके आलम को न छीन ले। तुम्हारी तारीफ के लिए आज तक दुनिया में अल्फाज नहीं जिनमें से मैं तुम्हें बयां कर सकूं, वो इसके दिल पर लब रखता हुआ इसकी सांसें खुश्क कर गया। मैं बताऊँ अपनी तारीफ? बहुत मुश्किल से इसने अल्फाज मुंह में से निकाले और हलक तर किया। बताओ, आलम ने झुककर कान में सरगोशी की। मैं इतनी हसीन हूँ कि एक शहजादा जो हर लड़की का ख्वाब होता है वो मेरा नसीब है, वो काफ़ी चाहत और मान और गरूर से बोली। आलम को इसकी मासूमियत पर बे इंतहा प्यार आया। अब गरूर मत कीजिएगा वरना मैं हंसना भूल जाएंगे, नाक भुवें से कोड़ कर वो बोली। क्या मुझ पर गरूर नहीं अच्छा लगेगा? इसने मुस्कुराते पूछा। वो सोच में चली गई। हाँ, आपको गुरूर करना चाहिए, जवाबन वो गर्दन अकड़ा कर बोली। क्यों? बर्जिस्ता इस्तफार किया। क्योंकि तुम्हारे पास ब्यूटी है, इसकी बात पर वो मतबस्सम हुआ। क्योंकि वो ब्यूटी थी ही इसकी, तो ऐसे कैसे ना मिलती, और मैं इसका बेस्ट, वो कान में पुरसराजियत से बोला। ना जाने क्यों वो मुस्कुरा रही थी कि इसकी सरगोशी पर इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। बेस्ट तो हैवान होता है ना आलम, पर आप तो शहजादे हैं, हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक शहजादा और एक इसकी शहजादी का, दूसरा बेस्ट और इसकी ब्यूटी का। जिस तरह शहजादा एक इंसान होता है, वैसे ही बेस्ट एक हैवान होता है, और वो दोनों आलम कहलाते हैं। रुलैन इसके जवाब में उलझ गई। शहजादा इंसान, बेस्ट हैवान, और ये दोनों आलम, और आलम सिर्फ एहन का, वो खुद से गोया हुई और लब भींच कर रह गई। ये है क्या? विल यू किस मी? वो शब खैर कहती करवट बदलने लगी। वाई नॉट? वो हंसकर इसके बाजुओं में भीजता झुकने लगा। हुरुलैन बखला गई। शब? इतनी जल्दी? इसके कानों में सरगोशी करते हुए इसकी मजीद कमजोर इल्तिजाए अपनी बाहों में ही तोड़ गया। वो इसके हरे वजूद को समेट कर इसके नकुश पर शिद्दत से मोहब्बत बरसाने लगा कि पोट पोट भीग गई इसके मोहब्बत में। पता नहीं क्या पढ़ते क्या बोलते हैं आलम, वो खफगी से इसके मजबूत बाजू पर हाथ मारती इसके सीने में मुंह छुपा गए। वो कहकह लगा उठा। आगे एक दास्तां पड़ी है पढ़ने के लिए। तबीयत ठीक है आपकी? शिद्दत गिरिया से इसकी सूजी आंखें देखकर वो बेचैनी से पहलू बदलता इस्तफार किए बिना नहीं रह सका। निवाला मुंह में रखती सिमी ने खाली में तवातर आंखें उठाई और वो इसे ही देख रहा था। नजरों के इस्तेजाज़म पर सिमी ने सर झुका लिया, जबकि वो इसका हाल देखकर मचल उठा था।
सुमैया, इसने तड़प कर पुकारा। मैं ठीक हूँ आर्या, आप नाश्ता करो और लेट हो रहे हैं, स्पॉट लहजे में कहते वो नाश्ता करने लगी। पर वो कैसे करता है इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसे हौसला दे। क्या इतने इंतजार के बाद अब हौसला हार रही हैं, अपने सब्र को सिला यूं खो देना चाहती हैं। फोनी वाला प्लेट में रखकर दुख से बोला। सिमी जैसे तड़प गई। खुदा ना करे आरी, मेरा हौसला टूटे या सब्र हारू, ये तो बस मुझे वो याद आ गए तो अश्क खुद रवा हो गया। वरना मेरा खुदा गवाह है, ना मैं हौसला हारी हूँ ना ही मैंने सब्र का दामन छोड़ा है। अगर सब्र हौसला ना होता अब तक तुम इस मिट्टी के ढेर को यहाँ नहीं खाक में घुलते देखते। टिश्यू से आंखें पहुँच गए, इसने भीगी भारी आवाज में कहा। आरिब का पोर पोर तड़प में बेचैन हो गया। दिल किया उठकर सीने से लगाते इसे हौसला दे, पर कल रात जैसा हौसला कहाँ से लाए, वो तो पहले ही काफी शर्मिंदा था इसके सामने। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम नाश्ता करो और जाओ, इसकी तकती नजरों से जिच होकर वो बोली और सर झटकते नाश्ता करने लगी। आरिब बिल्ला पीछे जहर मार करने वाला निकलने लगा। क्या मेरी वजह से रोई है, वो नादिम से सर झुका गया। तुम्हें कहा ना नाश्ता करो खामोशी से आरी, अब वो गुस्से से बोली और चारों नाचार वो खामोश हो गया। अलबत्ता उठती भटकती नजरें इसी पर थीं। खामोशी से नाश्ता करके वो उठा तो इसने नैपकिन से हाथ साफ करके इसे कोट और ब्रीफ केस हमेशा की तरह थमाया जिस पर इसने मजबूर किया था ये ऑर्डर डालने के लिए। और ये सब इसने दोस्ती की आड़ में छुप कर किया कि वो इस आदत के खुद पर काबिज होते देख कर भी संभल ना सकी। अच्छा सुनो ना, वो ब्रीफ केस थाम कर जाने लगी कि आरिब ने मचल कर कलाई पकड़ी। क्या है, ना चाहते हुए भी रुक कर सिमी तंदूर और तेज लहजे में बोली। सॉरी, आरिब की नादिम सी आवाज़ बमुश्किल इसकी समाध तक पहुंची। क्यों, तुमने तो जो किया था वो अपना हक वसूल कर रहे थे, फिर अब ये शर्मिंदगी क्यों, इश्तेआल में आकर इसने तलख होकर कहा और झटके से अपनी कलाई आज़ाद करवाई। आपको क्यों लगा मैं अपना ज़रा सा हक वसूलने पर सॉरी कर रहा हूँ, वापस से इसके कलाई चूड़ियों वाली स्पेड कलाई को जकड़ते खींचा और वह अचानक इस वफादात पर लहराती इसके सीने पर आई। आरिब ने वही बाजू अपना इसके कमर पर बांध दिया। इसके अचानक हमले पर वह साकित जामिद इसकी शहद आंखों में देखती हैरान थी। सॉरी इसलिए जानम कि अगर ये आंसू मेरे किसी अमल पर आए हैं तो फिर से सॉरी, पर यह मत सोचना मैंने कल रात कुछ गलत किया या मैं इस पर नादिब हूँ। ये भी मत सोचना कि मैं आपको छोड़ दूंगा या दस्तरदार हो जाऊंगा, वो अटल ठोस लहजे में कहता हुआ अपनी गहरी बोलती आंखों से इसकी आंखों में झांकने लगा। तुम, सिमी को समझ ना आया इसे क्या बुरा भला है। वो सख्ती से लबीज कर जहमत पर उतरी कि इसने जिद करते पुश्त पर मौजूद अपने हाथ पर दबाव दिया और इसके सीने से लगी। जहां सिमी सुर्ख लाल हो गई थी इसके लबों पर शोक शरीर मुस्कुराहट नमदार हुई। दोनों के चेहरे में हाथ भर का फासला रह गया था और वह इसकी परफ्यूम की खुशबू सांसों की तपश से झुलस रही थी। वो बगौर इसके नकोश देखता बेखुद होकर अचानक झुका और इसके गाल पर खूबसूरती से अपनी मोहब्बत की महर सबत करके इसे साकित कर दिया। अपने गाल पर अचानक दहकते लबों का लम्स इसके वजूद में हलचल मचा गया जबकि दिल की हालत बुरी थी जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, सरगोशी में दिल की गहराइयों से ये जुमला अदा करता इसे अपने शिकंजे में आज़ाद करते ब्रीफ केस उठा के वहाँ से निकलता चला गया। आज इसकी अहम मीटिंग थी, इसे इस हाल में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था लेकिन अगर वो रहता तो वो और परेशान और डिस्टर्ब होती, इसीलिए वो गया। दूसरा, ये मीटिंग अटेंड करना काफ़ी ज़रूरी था। मैम, दफातन मौद्दब आवाज़ पर इसका सहर जैसे टूटा और वो होश में आई तो सामने मुलाजमा को खड़ा पाया जबकि पोर्टिको से गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। तुम टेबल साफ करो, मैं किचन में हूँ, इसे हदायत देकर वो खोई हुई इसके लम्स में खुद से उलझती एक नई कश्मकश में थी। क्या ये शख्स ये जानकर मुझे कबूल कर लेगा कि मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ आधी से ज़्यादा ज़िंदगी एक दियोनुमा वहशी दरिंदे की रखेल रह कर गुजारी है जिसकी बर्बी सफाकत को झेलते ना सिर्फ ये वजूद नकारा कुचल मसल गया था बल्कि दिमाग भी इस बेरहमी दरिंदगी से अपना तवाज़न खो बैठा। इसने क्या देख लिया अब मुझ में, कुछ भी तो नहीं बचा मुझ में, फिर क्यों ये खसारे के पीछे भाग रहा है। अपने अरमान, अपनी आरजू जो हर जवान लड़के की होती है, ख्वाहिशात अपने शरीक के हाथ याद के लिए वो
वो सब क्यों मसल रहा है? क्यों इस पाश पाश हुए वजूद को हासिल करना चाहता है जिसे पाकर से कुछ वसूल ना होगा? दो पल का सुकून भी नहीं, फिर भी वो पागल। अजियत नाक सोचों में वो किचन में सफाई कर रही थी, सिर्फ खुद को मसरूफ रखने के लिए, पर सोचें जान से चिमटी हुई थी। लाख चाहने के बावजूद पीछा नहीं छोड़ पा रही थी। मैम, आपसे आरिफ सर बहुत मोहब्बत करते हैं ना? इसकी पुश्त पर मुलाजमा की आवाज़ अयोसी में चौंक गई। अब मुलाजमा भी इसकी सिफारिश पर उतर आए थे। सिमी का चेहरा मतगैर हो गया, वो मुलाजमिन को झिड़क नहीं सकी। वो आदतन ही ऐसे कमजोर नरम तबीयत थी, इसे डर होता था इसके किसी फेल से किसी का दिल ना दुखे। वो इसकी इसी आदत से शायद ही वो लड़का हाथ धोकर पीछे आसीब की तरह चिमट गया था कि अपनी उम्र अपनी ख्वाहिशात का गला घोटने पर आ गया था। वो हकीकतन परेशान थी कि आलम इसे किस तरह समझाएगा। इसे अब रह रहकर एहसास हो रहा था, क्या वो इसे मारेगा? ये सोच ही बेचैन रखती थी। वो इस नदा को मारेगा जिसने नदानी में ये खता की थी? यह असल वजह से वो मुंह मोड़ रही थी। हकीकत यही थी, वो जानती थी इसने नादानी में नहीं मोहब्बत में ये कदम उठाया है, पर जानकर अनजान बनना इसे खूब आता था। अपने ही सोचों में गुम, वो हल्की फुल्की सफाई में मदद करके बददिली से यहाँ वहाँ लाउंज में टहलती आखिरकार थककर बैक साइड गार्डन में आ गई, जहाँ हल्की हवाओं की लहरों पर सुर्ख गुलाब झूम रहे थे। फिजा में एक फसूख जहर था इनका, हवासों पर छा जाने वाली महक थी। वो मुस्कुराई, रिलैक्स दिमाग से टी हाउस में रखे सोफे पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में इसके पीछे पपी भागकर आया तो सिमी ने इसे उठाकर टेबल पर बिठा लिया। अपनी मालकिन की तरह इसे भी मिट्टी में खेलना काफ़ी पसंद था और इसे याद करके रोना भी। अक्सर सिमी ने इसे खामोश रहन के रूम के बाहर दरवाजे पर बैठा रोता हुआ पाया था। इसे लगता था इस बेड बंद दरवाजे के पीछे जियो ने इस परी को कैद किया है, पर हकीकत से वो मासूम नावाकिफ था। असल में इस जियो ने इसकी परी को हैवानों से बचाया है, पर वो जानवर कहाँ समझता था इस बस इसको आसपास ना पाकर रोता रहता तो कभी इसकी याद में झूले पर तो कभी मट्टी में खेलता रहता। पर इस एक साल में वो एक दिन भी इसे नहीं भूला था, बल्कि हर वजूद के साथ इस जानवर को भी शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार था कि जिस दिन वो अपने परी के नर्म बासुओं के असार में जाकर सुकून हासिल करेगा और इसे बेतहाशा मोहब्बत वसूलेगा। मुलाजमा कुछ देर टी बनाकर छोटी ट्रे में इसके सामने टेबल पर रख गई और पपी को भी इसका खाना दिया। इसके जाने के बाद सिमी टी हाउस में बैठी कप पकड़े वहाँ के कोने कोने की खूबसूरती को देख रही थी। पौधों के बीच दायरे में मोर के बड़े स्टैचू थे जिनकी चोंच के ऊपर उठती हुई थी और इससे पानी के फुहारे निकल रहे थे। आसपास सुर्ख लहराते गुलाब, साइडों पर दूसरे रंगों के फूलों की कितारें। ऐसा दिलकश महसूरकिन मंजर था कि वो चाहकर इसके शहर से आज़ाद ना हो पाई। ये इसी के लिए था जो इसे भी पसंद था, बल्कि इसकी शहजादी शहजादे को भी। लॉन में इससे मुख्तलिफ शेर का स्टैचू था, जबकि एक टी हाउस वहाँ भी था। ये घर किसी शहजादी के ख्वाब महल से कम नहीं था। वो ख्यालों में खोई हुई शेर के छोटे से बेटे को भागते हुए खिलखिलाते हुए देखती रही। खामोश घर में इसे इसकी खिलकारियाँ अरूज पर होती हुई महसूस हुई। उदास चेहरे पर रौनक और लबों पर गहरी आसुदा मुस्कुराहट अपने रक्स दिखाने लगी। वो मुकम्मल फैमिली के लिए तरसी हुई बहन ख्यालों के जहां में डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। इंशाल्लाह, एक गहरा सांस भरते इसके लबों से आसूदगी से निकला। इसका भाई जंगे इंसाफ लड़ने हैवान को मिटाने गया था और वह जानती थी इसे बहुत सब्र करना होगा इसके लौट आने के लिए। वो एक मजबूत माँ का शेरदिल भाई की बहन थी जिसे हौसला और इस कदर बुलंद रब पर यकीन कामिल था कि इसे जहन्नुम से भी जिंदा सलामत लाया गया। और वह अब जानती थी अब इम्तिहान इसके भाई का है और वह इन्हें दरिंदों को ख़त्म करके फतह होकर लौटेगा। जहाँ एक ये खुशी थी, वहीं अब आरिफ के हाल का सोचते हुए दिल में अनजानी सी खिसक थी, जिससे अनजान बनकर भी अब अनजान नहीं हो पा रही थी। दिन की रोशनी हर सु फैली हुई थी। सूरज की किरणें कब से पर्दों से उलझकर लड़ती इस सोई हुई शहजादी के चेहरे को छूकर सैराब होना चाहती थी, जिसके लबों की आँच मुस्कुराहटे का अनोखी दास्तां बयान कर रही थी। हमेशा की तरह चेहरा आंसुओं के निशानों से पाक था, बल्कि आज इसके नकुश में सुर्खी घुली हुई थी, जैसे इसे पोर पोर को सराहा गया हो, जैसे इस पर इसके बादशाह की मोहब्बत निछावर की गई हो, जैसे कि शहर में वो अभी तक झगड़ी मीठी नींद के मजे लूट रही थी। दफातन इसके दिमाग में रात का भीतर एक लम्हा लहराया। इसकी धड़कने उथल पुथल हो गई, जैसे वो अभी इसके हिसार में हो, पर इसे महसूस हो वो इसके शहर में नहीं, ना कि इसके हिसार में।
मन में बैठी मोहब्बत की तितलियां रक्स में मदहोश इसके ख्यालों पर खिलखिला उठी कि इनकी शरारतों पर मुंह बिसोरती हैं। फिर हंसकर लब दांतों तले दबाती चेहरा शर्म से तकिए में छुपा गई। कानों में रस खोरती इसकी भारी गमगीर सरगोशियां अभी तक सुनाई दे रही थी कि इसे सांस लेना महाल हो गया। अब बहुत बुरे हैं, अपने तलस्म से मेरी सांसें खुश कर देते हैं। दिल तो जैसे अभी बाहर आ जाएगा, जैसे आप मुझे खा जाएंगे। वो अपनी सोच पर हंसी, उंगली दांतों तले दबाकर तकिए को बाहों में भींचा। सुबह खैर जाने आलम, इसके कान में कुछ देर पहले की सरगोशी, चेहरे पर पानी की छींटे महसूस हुई। वो बुखला गई, तभी याद आया कि वो तो सुबह था, इससे सोने की जिद करके सो गई थी। तकिए को उठाकर इसने गहरा सांस खारिज किया। नशे का सुना है पर देखा नहीं, कैसा होता है, क्या होता है, पर आपकी खुशबू का मुझे नशा है, जिसे मैं जान भी गई हूँ और पहचान भी। इसने मुंह में दबा सांस खींचा, हालांकि इसकी सांसों में इसकी सांसों की महक शामिल थी जो इसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। मेरा दिल कर रहा है डांस करूं, झूमू, सारे जहां का बताऊं, मेरा आलम आ गया है। इसका मन मचलने लगा झूमने गाने के लिए, पर शर्म आड़े आ रही थी। वो कसमसाई और रंगड़ाई लेकर करवट बदली। ये मेरा ख्वाब तो नहीं, दफातन एक खौफनाक ख्याल दिमाग में आया। इसकी सारी हिस्से सुन कर गया। फीकी पड़ती मुस्कान के साथ इसे अपने दोनों हाथों को सर में थाम कर घूमते दिमाग के साथ उठ बैठी। ये सच नहीं, इसने सारी रात मुझे मोहब्बत दी। वो मुश्किल मुस्कुराई, हालांकि सरसराहट सी गूंजी दिमाग में, सारा सर भारी कर गई सिर्फ एक नेगेटिव सोच से। आलम, बहुत मुश्किल हौसले से लबों पर मुस्कुराहट से जाए इसने पुकारा। रूम से गूंजती आवाज दीवारों से टकरा कर इसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस पड़ी। आलम, अब की बार बस जोर से पुकारने लगी। इसे ऐसा लगा जैसे कानों से खून निकल रहा है। खौफ से दिल धड़क उठा कि सांसें जैसे उलझने लगी। जिसके आगोश में रात मोहब्बत पाकर सोई थी, इसे अब गायब पाकर इसकी सांसों ही तो रुक गई थी। या अल्लाह, ये ख्वाब ना हो, मेरा आलम मेरे पास हो, वरना मैं आज जिंदा नहीं रहूंगी। आलम अब यही है ना, भराई आवाज में कहती। इसने पांव पैट के नीचे रखे, तभी खनक सी पांव में पर इसका ध्यान वहां कहां था। पाजेब लहराकर सफेद पांव में गिरी, पर वो तो खौफ और वहशत में बदहवास थी। दिमाग खौफ की हिरासत में इसका साथ कहां दे रहे था जान सके कि इसका आलम सच में इसके पास है, वरना आज इसकी धड़कने बंद हो जाएंगी। फितना, वो रोती हुई बेबी कॉट के पास आकर वहां हाथ फेरने लगी, पर इसे खाली पाकर इसकी सांसें थम गई। क्या इसे फैरी संभाल रही है, याद करके वो सिसक उठी। ऐसा नहीं हो सकता, वो ख्वाब ने मेरी जिंदगी की खुशियां हैं, ये मेरी सुबह का एक फहम है कि मेरा आलम मेरे पास नहीं, मेरा आलम मेरी सांस है, इसकी खुशबू मुझे महसूस हो रही है, वो यही है। मुझे जीने दिया जाए, मुझे सांसें लेने दी जाए। वो लड़खड़ाती रोती दीवार का सहारा लेकर रूम से बाहर निकली। आलम, घर में सन्नाटा पाकर इसकी सांसें उलझ गई। वो लहरा कर गिरने लगी, पर बरवक्त खुद को संभाल लिया। आलम अब यही है, मुस्कान, मिसनी, ये मेरा ख्वाब नहीं, सच में ख्वाब नहीं। फैरी, तुमने मेरे बेटे को नहीं संभाला ना, मुझे मालूम है तुम अपने बाबा के साथ चली गई हो। वो रोती खुद से सरगोशियां करती लाउंज में कदम रखती सुन हुई, जब फिजा में मानुसी किलकारियां गूंजी। फितना, आलम, इस बार इसकी आवाज सरगोशी से कुछ बुलंद थी। पुशअप्स करते सही आलम की नजरें लम्हे की तवक्कुफ किए बगैर इसकी सिमट उठी। स्याह कमर पर लहराते रेशम से बाल, आंखों पर बंधी सफेद पट्टी इसकी दूध से रंगत से मैच करती, इसके रुए सुर्ख नकूश को नुमाया कर रही थी। इसकी रज जगह से खुमार आलूदा सुर्ख भूरी नजरें इसके नकूश से उलझती फड़फड़ाते गुलाब की पंखड़ियों जैसे लबों पर आ रुकी, जो मन ही मन में कुछ बड़बड़ाते इसकी नजरों में शिद्दत पैदा कर रहे थे। इसकी बुरी तपिश देती नजरें सरक कर इसकी सुराहेदार गर्दन पर आईं, सफेद दूध सी बेदाग शफाफ गर्दन की रगें नुमाया कर रही थी। वहां से सिरक कर इसकी नजरें इसके सिरापे पर आईं, घुटनों को जूती सफेद सईर आलम की शर्ट में अपने वजूद पर जेबतन किए, अपने हुलिये से अनजान वो खौफजादा थी। इसकी पंडलियों से नजरें सरकती इसके पाँव में पहनती वजेब पर आग रुकी। आलम, यह आवाज़ क्यों नहीं आ रही, इसके कानों में आवाज़ गूंजी। आवाज कैसे करती, जबकि इसका आलम चाहता ही नहीं था कि इसके पाँव में वो पाजेब आवाज करे, तो किसी की नजर इसके पाँव में या इसकी तरफ उठे। गुलाबी नरम से पाँव फूलों के रस्ते पर रखने के लिए थे, पर वो नंगे पाँव ठंडे फर्श पर खड़ी थी। इसकी आस्तीनें जो रात इसने कोहनियों तक फोल्ड की थी वैसे ही थी, वो कोई बर्फ की शहजादी मालूम हो रही थी।
या किसी और जहां की हो जो भटक कर इस बेस्ट के पास आ गई थी। जैसे किसी दियो की कहानी, इसके कैद में एक परी, वो जो सुबह उठकर इसे जगाना चाहता था पर इसका सोने पर इसरार करते देखकर माथे पर बोसा देता अपने बेटे को लेकर लॉन में आ गया और इसे फीडर बनाकर फीड करवाते, इसे अपने पुश्त पर कोट से बांधकर खुद पुशअप्स कर रहा था। दफातन सिसकी की आवाज के साथ इसकी आहट पर खामोश हो गया, साथ फितना भी आलम के साकित होने पर खामोश हो गया। आलम, इसकी भराई आवाज में सरगोशी हुई। फितना, वो फिर बोली, जिसे इसके छोटे से बच्चे ने खिलखिलाकर इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया और एन चौंक गई। फितना, मेरा जानू, मेरा बेटा, आपके पापा हैं यहाँ? इसने नाक हाथ की पुश्त रगड़ते हुए पूछा पर जवाब ना दे दर। महब मुस्कुराहट के साथ सही उठकर खड़ा हुआ, ब्लैक पैंट पर बगैर शर्ट के चौड़े तवाना वजूद की पुश्त पर कोट बांधे सककर खड़ा हो जाने पर खिलखिला उठा। वो कब से मजे लूट रहा था अपने बाप की मोहब्बत के, क्योंकि इसकी मम्मा सो रही थी और वो अपनी माँ की नींद खराब करने से कायल नहीं था। अब इसे अच्छा बनना था अपनी माँ की नज़रों में, वजह मुकाबिल दुश्मन जो आ गया था। वो पुश्त पर लटका बंधा हुआ था पर इसके बावजूद वो खिलकारियाँ मारता खिलखिला रहा था, जो कि आलम के लिए सप्ताह जमाना खतरनाक था। कि वह रोकर बुरा नहीं बन रहा था क्यों, हालांकि बच्चे सब रोते हैं और ये खिलखिला रहा है। इसने डराने के लिए इसे ऊपर नीचे किया, बल्कि फेंका जैसे, पुश्त पर बांधा पर वह जैसे कहके लगा रहा था, इसकी हरकतों पर लुत्फंदोज होता। फैरी, क्या तुम हो? कोई बोल क्यों नहीं रहा? अपने माथे को मसलती दर्द की शिद्दत से चीख उठी। तभी अचानक पीछे से एक मजबूत हाथ इसके कमर में सरकता आगे आया और झटके से खींचकर इसे अपने सीने से लगाया। सुबह खैर जिंदगी, खंगीर भारी आवाज में सरगोशी करते इसे अपने होने का एहसास दिलाया और कंधों से बाल समेट कर इसकी गर्दन की शारहक पर अपने दहकते लब रख दिए। और उलैन की सांसें इस अचानक हमले से रुक गईं। आलम, एक गहरा सांस भरती वो सिसक उठी। मैं समझी आप ख्वाब, मजीद इससे बोला नहीं गया और झटके से घूमकर इसके सार में लेने के लिए बाहें फैलाती सीने में छुप गई। मैं तुम्हें हकीकत में ला सकता हूँ, तुम्हारे बिखरे होश भी ठिकाने लगा सकता हूँ। चूना लगा रहा है फ्रॉडी इंसान मेरी मासूम माँ को। इसकी सरगोशी सुनकर फितना मचल उठा और आलम फौरन इसका एहतजाज समझता मुस्कराया। एक गुस्से भरी मासूम चीख शेर की पीठ पर बुलंद हुई, जबकि फितना भिपरा हुआ था। अभी हाथ पांव खेले तो इस इंसान की गर्दन काट दे। योर टाइम इज ओवर फितना, मुस्कुरा कर कहते इसे कुछ देर पहले फीडर की निप्पल निकालकर जो जेब में रखी थी एहतियातन इसके साथ टेप को निकाला और इसके कुछ समझने से पहले इसने इसके रोने के लिए खुलते मुंह को निप्पल डालकर ऊपर टेक लगा दिया और पुश्त घुमाकर सामने दीवार में सजावट के लगे हुए शीशे में देखा, जहां इसकी फैली बुरी आंखें और मुंह पे पड़ा फीडर जिस पर लगा टेप गुस्से से इसकी आंखें शीशे में गई, जैसे अभी शेर को मार देगा। और इसे देखने पर ही शेर ने फ्लाइंग किस भेजी, अगर इसका मुंह खुला होता तो जरूर इस किस पर उल्टी कर देता। पर यह कैसा जुर्म था, रात को मोहब्बत लुटाने वाला शख्स इस पहर मुंह बंद किए बांधा हुआ था। कोई घर में नहीं था, वो दोनों चुड़ैले नजर नहीं आ रही थी जो शायद इसकी माँ को बचा सके। जुर्म की इंतहा थी, वो सिर्फ अपने छोटे छोटे पाँव ही इसकी पीठ पर मार सकता था, बाकी तो पूरा कोट से बंधा हुआ था। शेर का अजीब सा नक्शा पेश आ रहा था, अगर इस वक्त कोई देख लेता तो बेहोश होकर जरूर गिरता बाप के स्वरूप पर। अगर ऐन ही देख लेती अपने बेटे के साथ आलम का ये हशर तो जरूर बेचारी का दिल बंद होता। पर इस सदा का मतलबी शख्स अपनी मोहब्बत को सामने पाते ही सब कुछ भुला गया। इसकी पुश्त पर कोई रुई का गुड्डा बंधा हुआ है। फितना, मेरा बेटा कहाँ है? आलम रोने की वजह से इसकी आंखें आवाज अटक रही थी पर बेटे के रोने की जरा सी आवाज पर मचल उठी। वो सो रहा है सामने सोफे पर, तुम अपना बताओ, क्यों बार बार रोकर तकलीफ देती हो? इसके बालों में उंगलियां फंसाकर इसने झटके से गर्दन को पीछे किया और चेहरे पर जांचते कुछ नापसंदगी के इसके आंसू देखे। अब नहीं रहोगी, वो खौफजादा सी बमुश्किल बोल पाई। वो अपने बेटे के सोने का सुनते ही खुश हुई, पर यह भी हैरत की बात थी, वो रात से नहीं रोया था और इसकी रूटीन क्यों चेंज हो गई थी, हालांकि इसे सुबह इसका बेटा जगाता था। मुझे फितने को फीड करवाना है, इसके सार में खिसमसाकर इसने कहा। वो खा चुका है जो इसने खाना था, तुम फ्रेश भी नहीं हुई, इसका जवाब देते ही बात फौरन से घुमाई इसके सिरापे को देखते और उलैन शर्मिंदगी से लब दांतों में दबा कर रह गई। जवाब दो, वो गुस्से से बोला।
मैं डर गई थी आलम, मुझे लगा सब ख्वाब है, लगा कि इतनी मुकम्मल खुशी कैसे मिल सकती है। इसीलिए डर गई थी कि ख्वाब ना हो मेरा। होने की तैयारी करते इसकी बाहों में छुपती बोली, मजबूरन इसे ही नर्म होना पड़ा और इसके कमर में पड़े बाजुओं को खींच कर इसके कुछ और ऊपर कर लिया, जबकि पीछे गुस्से से सुर्ख बुरी आंखों वाला इनका बेटा इसकी पुश्त पर बंधा इसकी खुसर पुसर अपनी माँ से सुनता गुस्से से पागल हो रहा था, पर कुछ कहने चीखने के से कासिर था। इसका दिल के अभी छलांग लगाकर इसकी पुश्त से उतरे और इसके टांगों बाजुओं पाँव काटते हुए इसके जख्मी करके घर से बाहर फेंक दे, ताकि इसकी माँ से ये मनहूस साया टल जाए और अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारे। ऐसा दुश्मनी कहर था, इस मासूम बच्चे को एक बार भी अपने माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं दे रहा था जब से आया था, और अब जुल्म के इसके मुंह में निप्पल डालकर इसे औकात दिखाई और ऊपर टेप लगा दी कि वो मुंह से निकाल ना पाए। ये कैसा बाप था, क्या बाप ऐसे होते हैं। एक मासूम से वजूद पर जुल्म की इंतहा दी और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जुल्म का बादशाह तो पहले ही यहाँ मौजूद था। अब इंसाफ कौन दिलाए, इसकी बेबसी देखो, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, इसके पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास तुम्हारा आलम है तो ऐसी ही मुकम्मल खुशियाँ होंगी, वो इसे उठाए रूम की तरफ बढ़ा। इस डायलॉग पर वो एहतजाज करना चाहता था कि ये कैसी मुकम्मल खुशी थी, इसकी भोली माँ को इसके बेटे से दूर रखा हुआ था, ये खुशियाँ तो मुकम्मल नहीं हुई, वहाँ तो सिर्फ खुद है, इसके पास कैसे मुकम्मल खुशी हुई। बाहर आने से पहले ही कपड़े ही चेंज कर लेती तो आज आराम से फ्रेश होने चली जाती। इसके कान में सरगोशी करते हुए इसके बालों की महक को अपनी सांसों में उतारता रूम की तरफ बढ़ा, और वहीं हुरुलैन जो इसके अपने गिर्द सुकून पाकर अपने हवासों को बहाल होने पर शशदर थी, क्या आलम इसके लिए जीने की दवा बन चुका है, क्या वो इसके लिए ऑक्सीजन बन चुका है। इसके पास होने के फहम से इसकी ज़िंदगी मौत की तरफ बढ़ती सांसें थम जाती हैं, क्या किसी का आदि होना ऐसे होता है। जैसा वो महसूस करती जैसे वो पास ना हो तो मौत की दहलीज तक पहुंच जाती। दफातन कान में मध्यम से सरगोशी, वो समझती कान की लू तक सुर्ख पड़ गई। आलम, वह एहतजाज के लिए चीखती, पर तब तक वो इससे बेड पर नरमी से डालकर इसके आंसू अपने लबों से चुनने लगा और पीठ पर बंधा उल्टा चलता अब यूं छत को देखते इस मासूम बच्चे से सर घूम गया। किसके साथ हो क्या रहा है, यह आदमी कभी उठक बैठक तो कभी उल्टा चलता है, अब यूं झुक गया, काश वो गनी इसके पास होती, पर वह उसके हाथ तो बंधे हुए थे। आखिर इसकी माँ क्यों नहीं समझती इस फ्रॉडी को, जैसे वो आते ही समझ गया था। इस इंसान के साथ इसकी माँ सालों गुजारने के लिए बाद भी इसका मकरू चेहरा नहीं पहचान सकी, आखिर क्यों, ये कैसा जुल्म हो रहा था। एक बच्चे के साथ कोई आवाज क्यों नहीं उठाता इस तशद्दुद के खिलाफ, बच्चों को हरासा किया जा रहा था दिन दहाड़े, ये कैसे बाप दुनिया में आ रहे हैं, कोई सिस्टम को बंद क्यों नहीं करता। इसका दिल किया अपने बाप का नाम लेकर दहाड़े, पर सदा अफसोस, वो भी इसके हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगाई गई थी, कोई इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था, कोई इसके हक में नहीं था, और इसे पूरा यकीन था इस नफ्सियाती इंसान ने जरूर इन दोनों चुड़ैलों को भी घर से निकाल दिया होगा। इसे अफसोस होने लगा मिसनी और फैरी पर। आलम, हमारा बेटा बाहर अकेला है, सोफे से गिर जाएगा, छोड़े, वो इसके सीने पर शर्ट ना पाकर जिस शक्ति इसके लम्स पर सिमटी गोया हुई, मैंने इसे संभालने का पूरा इंतजाम किया है, वो सुकून के मजे लूट रहा है, तुम खामोश रहो। इसके लबों पर उंगली रखते वो गर्दन पर झुक गया, वो इसकी बढ़ती जसारतों गुस्ताखियों पर बौखला कर पीछे खिसक गई। क्या हुआ, मुस्कुराहट दबाते आलम ने इसके हाथ को पकड़ा जिसकी धड़कनें उथल पुथल थी, वो जैसे कांप रही थी। अब जाए, मुझे फ्रेश होना है, वो खिसक कर दूसरी तरफ उतरी। चली जाना, सही ने बाजू पकड़ कर अचानक खींचा और वह हरासा लुढ़क कर टूटी टहनी की तरह इसके पास आई। भूख लगी है, इसकी उंगलियों को अपने कॉलर बोन पर घूमते देख वो मचल कर खिड़की के पास आई और अपने सामने खींच कर पर्दे कर दिए। वो कहका लगा उठा, सुरसी गुरुलैन झलप गई, बहुत बुरे हैं आप, जाए ना यहाँ से, रात भी यही कह रही थी, इसने छेड़ा जैसे याद करके आना हथेलियों में पसीना आ गया। आपको तकलीफ क्या है, वो पाँव पटक कर बोली, जानती थी इससे बचना मुमकिन नहीं, तुम पास आओगी तो बताऊंगा ना। ये आवाज़ बहुत करीब से आई कि हुरुलैन बुखला गई। मैं नहीं, जाएं आप,
वो मचलने लगी थी तभी ही पर्दों के पीछे से घूमता बाजू इसकी कमर में बांधा और वह सटपट आ गई। आलम, इसने बेबसी से पुकारा, मेरा सोना। पर्दों से बाहर लाकर इसने इसे दीवारों से लगा दिया। नहीं, मैं आपकी सोना। जब से आए हैं तंग करते जा रहे हैं। कोई अपनी बीवी को तंग करता है? पहले तो आप बहुत प्यार करते थे, इसने रूठेपन से कहा। वो मतबस्सम हुआ। प्यार तो अभी भी कर रहा हूँ, इसकी नाक को उंगली से छूकर बोला। कोई ऐसे प्यार करता है भला? इसने नाक से खिड़का लाने इसकी कलाई हाथ में पकड़ा। तो कैसे करते हैं जाने जा? इसके दोनों टिम्बल्स वाले रुखसार को लबों से छूकर कहा। इसके तर्ज मुखातिब पर वो शर्मा गई। जैसे आप, मैं और हमारा बेटा बैठकर साथ बातें करें, नाश्ता करें, ऐसे। इसने मुस्कुराहट दबाते कहा और इसके बावजूद खाल में नमूदार होने वाले डिम्पल नहीं छुप सके। आलम ने देखते फौरन से इसके हाथ छोड़कर चेहरा हाथों के प्याले में भरा और इसके जो डिम्पल्स पर अपने लब रख दिए। मेरा दिल क्या कहता है एन? वो सरगोशी में कहते इसकी दूसरी रुखसार को छूने लगा और वो दीवार से पुछ लगाई झनपी सी इसकी मूछें दाढ़ी की मीठी सी जुबन पर शर्मा रही थी। बेसाखते इसका हाथ उठकर इसके रुखसार पर गया और नर्म रुई सी मुलायम उंगलियां शरीर के गाल पर हल्की सी बुरी शेप को सहलाने लगी और वो अपने पोरों पर महसूस करती मुस्कुराई। क्या कहता है? पूछने के साथ ही दूसरे हाथ की उंगलियों के इसके नकुश को छूने लगी। कहता है कभी तुम्हें खा लो तो कभी सीने में छुपा लो, ऐसी जगह ले जाऊं सिर्फ हम दोनों हों और हमारा बेटा। ये बेटे वाली बात दिल में रख ली गया कि इसे खुशफहमी ना हो जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता, वो खिलखिलाई और इसके खिलाहट को देखते वो मुस्कुरा दिया खुलकर। तो मुझे इतना महसूस क्यों करती हो शहजादी? इसकी उंगलियों को नाक और गाल पर देखते इसने पूछा। एन मुस्कुरा दी। मेरा दिल नहीं भरता आपको महसूस करते, तसव्वुर करने, सोचने, जानने से मेरा दिल नहीं भरता। आप जिस तरह चाहते हैं मैं वही चाहती हूँ कि आप बस आपकी ज़ात में गुम हो जाओ शहजादे। और इसके तलस्सुम में झगड़ी गोया हुई और इसकी उंगलियाँ इस घनी मूछों तले अनाबी लबों पर उंगली सरकती हुई। जब सही ने इसकी उंगली दांतों में ले ली, वो सी करती बौखलाकर होश में आई और मचल उठी। आलम, उंगली छोड़े। वो तड़प कर आलम से मुस्कुराने इस दूसरी उंगली हाथ में पकड़ी और वो मचल कर बुलंद हुई। पांव की उंगलियों पर सीधी खड़ी होती वो इसकी हालत से काफी लुत्फंदोज होने लगा। खा जाए अब भूखे, इसने तड़प कर गुस्से से कहा। खा जाऊं? इसने मोहब्बत पाश नजरों से पूछा। एंजो इसके मुंह में उंगली से सहमी हुई थी पूछने पर मचल उठी। हाँ हाँ खा जाए, आपको भूख ही यही है, साल से मुझे खाया नहीं तो भूख मिटा लें, सारी उंगलियां खा जाए बेस्ट कहीं के। वो कैसे गजब से दिल मिलाई इसके अंदाज तेवर लाड गुस्से पर वो कहका लगा उठा। नहीं, ये साल की भूख एकदम से नहीं मिटेगी, इसके लिए तुम्हें रोज खाना पड़ेगा। और अभी इजाजत दी है तो थोड़ा चख ही लेता हूँ टेस्ट को, जुमैनी लहजे में कहते इसकी उंगली चूमकर गिरफ्त से आजाद की। और अभी से समझने की खुश होने का मौका भी नहीं दिया था कि इसके चेहरे को हाथों के सहारे में लेकर वो इस पर झुक गया। दोनों की सांसें यकजा हो गई थी और दोनों एक दूसरे के शहर में झगड़े हुए थे। हुरुलैंड के दूधिया हाथ इसके मजबूत शानों पर रखे थे जबकि सईद के इसके दोनों तरफ दीवार पे हाथ टिकाए वो इसके चेहरे पर झुका अपनी शिद्दतें लुटाता अपनी तिश्की मिटा रहा था। अपनी शिद्दतों के बावजूद एक नरम सा एहसास था जो अपनी शहजादी के पास आकर वो इस पर लुटाता था कि कहीं वो इसकी कांच की शहजादी इसकी जरा सी सख्ती पर टूट कर ना बिखर जाए। वो पत्थर वजूद एकदम इसके पास आने पर मुंह में बदल जाता था और इसकी गुस्ताखी गलतियों पर चाहने के बावजूद कभी इस पर सख्ती नहीं बरता सका। वो इसके सहर अंगेज शख्सियत के पहले ही कैद थी। इसके यूं तलस्सुम में कैद करने पर इसमें पूरी तरह खो गई। इसका खो जाना खुद में और हमकदम होना आलम को बहुत भाया था। ऐसा पहली बार हुआ था वो इसके साथ थी और इसके सहर में खो रही थी जैसे धुंधलुदा बादलों में गुम हो रही हो। वो ऐसा ही तो था, इसकी धड़कनें बढ़ गई थी पर इन दोनों को होश ही नहीं रहा था, आसपास का होश तक नहीं रहा था। क्या हो रहा है क्या नहीं, इन्हें बस याद था तो एक दूसरे में बसना चाहिए था, खुद को गुम करना चाहिए है। और एन की भी यही ख्वाहिश थी कि इसे पूरी तरह इसके शहर तारी कर दिया जाए और वह अपनी चादर अपनी चाह मन से इसमें डूबने लगी। लेकिन शायद आज वो पल मिनटों घंटों ये शहर नहीं तोड़ना चाहते थे बल्कि जैसे दोनों की ख्वाहिश थी वो जिंदगी भर भर खुद में खोए हुए हैं, दुनिया जहाँ को भूल जाए, सिर्फ एक दूसरे में गुम हो जाए।
और शायद उन्होंने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कह भी दिया था। तभी तो मोबाइल की बेल पर भी वे दोनों होश में नहीं लौटे, जब कुछ फरामोश कर बैठे। पर ये दुनिया कहाँ फरामोश देने वाले में से थी। तफातन सांसों के इस मिलाप पे खलल डालते मोबाइल एक बार फिर चीख उठा और इसकी चीखों पर दोनों ही होश की दुनिया में लौटे। वो आपका मोबाइल, अपनी सांसें बहाल करती हुई रुलैन इसके शहर में टूट जाने पर वो खिलाई से पिटाई की तरह आने लगी। आलम ने काफ़ी दिलचस्पी से इसके चेहरे की दूधिया रंगत में सुर्खी को देखा। कुछ लम्हात पहले ही तो हादसा था जब वो जहाँ के सारे एहसासात को पसे पुछ डाले, इसके पास इसकी ऐन थी जैसे आलम में समाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। और अब वो अपने खोए अल्फाज अपनी सांसें ढूंढने में निडाल दीवार से टेक लगाए सांस ले रही थी। आपने टेस्ट का नहीं पूछूंगी, इसके गैर संजीदगी इंतहाई गंभीर लहजे में कहे जुमले पर वो कान की नोक सुर्ख हो गई, बेसाख्ती से सर झुका लिया। बोलो, वो इसे उकसाने लगा बोलने पर, हालांकि वो जानता था इसके पास से सारे अल्फाज छीन लिए हैं और हुरुलैन को ऐसा लगा इससे जवाब वसूलने से पहले वो यहाँ से हिल नहीं पाएगी। गहरा सांस भरते मजबूरन इसने सर हिलाना पड़ा, पर इसकी सदा पर वो मर मिटा था। ऐसा है कि अगर इसे मैंने रोज टेस्ट नहीं किया तो तुम्हारे हाथों से तुम्हारा आलम खाक होकर बिखर जाएगा, वो इसके चेहरे पर झुककर कान में गंभीर सरगोशी में बोला। आलम एन तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रखा, इसकी खाक होकर बिखरने वाली बात पर जैसे कील बनकर दिल में चुभी थी। डर गई, इसके गाल सहलाता चाहकर आलम में डूबा इस्तफार किया, ऐसी बातें ना करें, इसने भराई आवाज में हिलते जागे। डर नहीं, मर जाती हूँ, इसकी बात से आलम के दिल में घुसा पड़ा और इसे तड़प कर इसके लबों पर अपना अंगूठा रख दिया। दोनों का यही हाल था, एक दूसरे से सर्द हुआ तो बर्दाश्त करने की तैयार नहीं थे। तो करवाओगी टेस्ट रोज सुबह शाम, ऐसे ही एक दूसरे में खोकर जिंदगी में पहली बार वो इससे बहके बहके लहजे में फरमाइश कर रहा था, ये समझ कर कि ये तुम्हारे आलम के जीने की दवा है। कर पाओगी, ये हुरुलैन, इसने पहली बार इसका पूरा नाम लिया था। ये हुर इसके लबों पर अपना नाम सुनकर पोर पोर लरज उठी, इसकी धड़कनों से जैसे कायनात की हर चीज जानो धड़क उठी। इसे लगा जिसकी धड़कन से बेजान भी जान आ गई होगी। इस कदर बुलंद धड़क से दिल धड़काकर एन के कानों ने बखुद आवाज बुलंद ये धड़कन सुनी और आलम ने मुस्कुराते इसकी धड़कन को शांत करवाने के लिए इसके मुकाम पर अपना हाथ रख दिया। वो सहरा की रेत बनकर इसके वजूद में बिखर गई। ये शहजादी तो पूरी जान और रूह से आपकी है आलम, इसने रूह स्पुर्दगी के आलम में सर इसके सीने पर रख दिया और वह इस मगरूर फतेह आलम ने इसके सर पर लब रख दिया। अब ये याद रखना कि तुम्हारी जान और रूह सही आलम की है, वो मगरूरियत से बोला। मुझे याद है, याद करने की क्या ज़रूरत है सही आलम, मुझे मालूम है जो फातिहा होता है वो जिसे चाहे फतेह कर लेता है और आपके इश्क के सामने ये मिट्टी का बुत क्या अहमियत रखता है, एहतजाज करता है। जब आलम एक फतेह कर सकते हैं तो ये खाकसार क्या अहमियत रखती है आपके इरादों, आपकी मंजिल को ठुकराने वाली, वो तो खुद चाहती है वो कैद हो जाए इश्क आलम में, वो तो खुद यही चाहती है कि आप इसे कैद कर ले। आप मुझे कैद कर ले आलम, मुझे दुनिया नहीं आलम चाहिए, मुझे ऐसी जगह ले जाएं कैद कर ले जहाँ एन और इसका आलम हो, बस वो इसके कैद होकर इसके कदमों में बाकी की जिंदगी गुजार ले। और खुद को सुपुर्दगी इसे कह रही थी बल्कि एक दियो को दावत दे रही थी कि वो इसे कैद कर ले अपने अंजाम की परवाह किए बगैर। और सही आलम इश्क के इस रूप को देखता दम बखुद था, वो गंग खड़ा था अपनी एन की सब बातें सुन रहा था। जिंदगी में पहला ये लम्हा था कि अचानक के सही आलम हकीकतन हैरत के समंदर में डूब चुका था। ये रस घोलती सरगोशियाँ, ये आहें भरती सरगोशियाँ, ये इल्तजाएं करती सरगोशियाँ, खुद को लुटाती अपना आप इस पर मिटाती सरगोशियाँ इसकी एन थी जिन्हें सुनने के लिए वह तरसा था। रात रात जाकर इसकी फिक्र में गुजारता था और वह इससे छीन जाएगी दुनिया की रंगीनों को देखते और वह इसकी खुशी के खातिर उफ तक करने का हौसला नहीं रखेगा। पर आज काया ही उलट थी, दुनिया ही और थी, जहाँ बदला हुआ था फिजाएं गुनगुना उठी थी। यूनान की सरजमीन पर सईद आलम की यानी इश्क के आलम में कैद होकर इसके सामने दामन फैलाया था कि वो इसे कैद कर ले अपनी दुनिया में, अपने जहान में, जहाँ आलम सिर्फ आलम और ऐन हो, जहाँ मोहब्बत और इश्क सरापा ऐन हो। ये कैसा लम्हा था कि सईद आलम खुद हैरान खड़ा था कि सही इश्क के इजहार कैद पर, रात वो इसे आज़ादी दे रहा था और अब वो कैद की इल्तजा कर रही थी। थकी थकी सी आहें, बिखरी सांसें थी इसकी, जैसे लंबी मुसाफत तय करके आई हो, हर सांस के कैद हो जाने की इल्तजा थी। और सही आलम को चाहिए ही इसके अलावा क्या था जिंदगी में,
कुछ कवाया तो बढ़कर पा रहा था। इसके पेट पर इसके वजूद का हिस्सा इसका खून बना हुआ था, जो इसे अपनी सांसों से अजीज, जान से अजीज था। इसका गुरूर, इसका जिगर था, फख्र था, मुस्तकबिल का आलम था, जो इसे इसकी बीवी से मिला था अनमोल तोहफा। और बीवी थी जिसने इसकी बहन की जिंदगी की खातिर खुद को दांव पर लगाया था, और अब इसके इंतजार में तपती सहरा में नंगे पांव भागती लंबी मुसाफत तय की थी। और अब इसके पास इसके गोश में पहुंचकर बजाय दुनिया मांगने की इसका कैद मांग रही थी। जानते भी हो कि वो हैवान है और एक खूनखार हैवानी दियो की ताकतों से बना हुआ पत्थर है। इसके सामने दामन फैला रही थी कि वो इसे कैद कर ले इसकी जिंदगी में। तो तुम कैद हो जाना चाहती हो? बिल्कुल कैद, अपनी सांसें मुझे देकर। इसकी आवाज काफी पुरइसरार थी, जैसे लहजे में बाज आने की सरजिश हो, संभल जाने की, होश में लाने की कोशिश हो। पर वो नहीं जानता था एन इश्क के आलम में किस कदर आगे निकल चुकी है कि अब पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश ही नहीं होती। जी बिल्कुल कैद, अपनी हर सांस आपको देकर बिल्कुल आप में कैद हो जाना। आपके सिर्फ खुद में कैद करना चाहती हूँ। ये सईर आलम की बीवी हुरुलैन का आखिरी फैसला है, जिसे अब खुद भी तोड़ने या जुटलाने बदलने की ताकत नहीं रखती। इसने आप मजबूत बनाकर मजबूत लहजे में कहा। सब कुछ छोड़ दोगी, हर रिश्ता? इसने संजीदगी से पूछा, जैसे इसका इम्तिहान ले रहा हो। अगर पापा अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो मैं भी अपने महरम के इश्क में ये दुनिया और इसके हर रिश्ते को खत्म कर सकती हूँ। सबको पसे पुछ डालकर आपको आपकी कैद चाहती हूँ। वो एक बदली हुई बिल्कुल जिद्दी लड़की लग रही थी। ये कैसी पड़ी थी जो खुद को दियोकी कैद चाहती थी? अच्छा ऐसा करो, पहले इन आंखों से पट्टी हटाने दो और मुझे जान लो, फिर ये फैसला लेना। वो जानबूझकर बोला ताकि वो कुछ टगमगा जाए, हालांकि वो खुद भी चाहती थी सईर आलम के शिकंजे में खुद को छुड़वाना ना पाती थी, चाहे दुनिया इसकी मदद के लिए आ जाए। नहीं कभी नहीं, मैं आपको जानती हूँ पहचानती हूँ, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। मैंने आपको पहले कबूल कर लिया है, शायद तब जब पहली बार मदद के लिए पाँव में झुकी थी, या तब जब अपने आइसक्रीम पार्लर में मुझे मारने की बजाय कहा था मैं अंधी हूँ, हालांकि मेरे बाप ने देख लिया था। फिर भी अपने तौर पर आपने हमारी जिंदगी बचाई थी, और मुझे जो नई जिंदगी दी थी वो सिर्फ आपकी थी। सारी दुनिया आपके खिलाफ थी, पर सारी रात जाकर आपको सोचती रही थी। जहाँ दुनिया आपसे खौफ से छुपती थी, वहीं मैंने तमन्ना की थी कि काश मैं आपको देख सकती। जहाँ दुनिया बेस्ट का मतलब जानकर आपसे वहशत ज्यादा हो जाती थी, वहीं मैंने जाना कि बेस्ट मायने हैवान है। तब जाने क्यों मुझे यकीन नहीं है आप हैवान हो सकते हैं, बल्कि मेरे दिल ने पहली बार अलग ले बदली थी। मुझे कोई मोहलत नहीं चाहिए, बल्कि इश्क में मोहलत की तो गुंजाइश ही नहीं होती। इसकी उम्मीद के खिलाफ तो वक्का वो टुकमगाने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। और सई ने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ इसके गिर बाजों को साथ डाल दे सख्त कर दिया। आप ये कदम टकमगाने नहीं चाहिए, वरना सईर आलम टकमगाने वालों को जीने का हक नहीं देता। इसके बालों में चेहरा छुपाने की कोशिश करते सैद लहजे में गोया हुआ। हुरुलैन की टांगे काम गई, अब भूल जाओ खुद को, भारी सरगोशी में कहते इसने सांसें खुश्क कर दी, पर वो मुतमईन थी। मैं खुद भूलना चाहती हूँ खुद को, इसकी आवाज लरस गई। बहुत पसंद आ रही हो मुझे इस अंदाज में, इसे खुले दिल से सराहा। क्या मतलब, पहले पसंद नहीं थी? महान इसका जुमला सुनकर वो गुस्से गम से हैरत में चली गई। ऐसा किसने कहा? तुम्हें तो अब इश्क का एहसास हुआ है, तुम्हें देखकर मुझे हर लम्हा नए सिरे से इश्क होता है। इसकी भारी होती आवाज पर भरती जसारते सटपट आ गई। आलम फितना, कुछ तो ख्याल करें, और ये क्या किया है? वो कसम साकर फासला कायम करने की कोशिश करती इसे सीने पर जोर देकर हटाने लगी थी कि हाथ कोट के रगड़े पर पड़े तो ना समझी से पूछा। इसके वापस पर सईर की नजरें भी अपने सीने पर गईं और पीछे बेटे की याद आई, तो फातन ही रूम की फिजा में बुलंद कहका गूंजा। कुछ नहीं जा, चीज करके आओ, शाबाश, जब तक मैं नाश्ता टेबल पर लगाता हूँ। इसकी सुई फितने पर जाते देख इसने एकदम इसका टर्न बाथरूम की तरफ मोड़ा और अचानक अफादात पर बौखला गई। पर हमारा बेटा, मैंने कहा ना वो सो रहा है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं इसके पास ही जा रहा हूँ। इसने बाथरूम तक इस पहुंचते हाथ में ड्रेस थमाया। हम घर कब चल रहे हैं? और घर जाने का कोई जिक्र ना सुनते कब से बेचैन होती आखिरकार पूछ बैठी। अच्छा सवाल है, पर इसका जवाब तुम्हें अमली तौर पर मिलेगा। जल्दी फ्रेश हो जाओ, मुझे अभी कुछ काम है जिन्हें निपटाना है। शाबाश, आखिरकार
इसकी एक भी ना सुनी और अरे अरे करती रह गई और सही ने इसे बाथरूम में भेज दिया। गहरा सांस भरकर इसने हाथ पीछे करते अपने बेटे के गाल को छुआ। शाबाश मेरा फरमाबरदार बेटा, वो बा आवाज बुलंद बड़बड़ाया। मोबाइल उठाते बाहर आया जबकि पीछे गुस्से और बेबसी से वो बाथरूम के बंद दरवाजे को तकता सुर्ख हो गया था। मजीद सुर्खी तो इसे मुंह में पड़ी, बच्चों की फीडर की निपल पर आ रही थी कि सब तहस नहस कर दे साथ इस पहाड़ को भी। पर वो था कितना इसका अंदाजा इसे बखूबी था। वो इसकी चौड़ी पीठ पर चूजे की तरह बंधा हुआ था। कब से तरसता अपनी माँ को एक नजर भी देख नहीं पाया था, सिर्फ इनके मुंह से अपना जिक्र सुनने के अलावा। जितनी बेचैनी इसकी माँ के लहजे में थी, इससे कई गुना ज्यादा इसे तैश आ रहा था इस जालिम समाज पर। तो कब पाकिस्तान आने का इरादा है? सलाम दुआ के बाद ब्रिगेडियर ने पूछा। आपके क्या इरादे हैं? वो उल्टा इनसे सवाल करता कान में ब्लूटूथ सेट किए अपने बेटे को बाहर रखे बेबी कॉट में डाला और झुककर माथे पर बोसा देकर किचन की सिंथ पड़ा। इरादे तो बहुत नेक हैं, आप पाकिस्तान में कदम रखे मालूम हो जाएंगे, उन्होंने हंसते हुए कहा। सही मुस्कुरा दिया। ये ख्वाहिश तो फिर पूरी करनी पड़ेगी, खिलाफ आदत वो आज मुस्कुरा कर बात कर रहा था जिसका अंदाजा ब्रिगेडियर लगा चुके थे। वरना तो ऐसे बात करता जैसे रोबोट हो या सर्द हवा के झोंके। तो समझ जाए आप कदम कल पाकिस्तान में होंगे, उन्होंने खुश होते हुए पूछा। मैंने ख्वाहिश का कहा, खुशफहमी का नहीं ब्रिगेडियर साहब। इसकी मुस्कुराहट गायब थी बल्कि वहाँ छेड़ थी, जिसे समझते ब्रिगेडियर साहब कहका लगा उठा। तो आप ये खुशफहमी हकीकत कर दें आलम साहब, वैसे आपको वकील होना चाहिए था, बात को पकड़ने का फन खूब रखते हैं, वो शौक मिजाजी से बोला। टेबल पर नाश्ता लगाते सही मुस्कुराया। आज मेरी दुबई की फ्लाइट है, जानता हूँ जिंदगी समय इंतज़ार में है, पर इसकी ज़िंदगी में खुशी को पहले खुश करना है, तो लिहाजा कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। बेस्ट के आने की इतला अब तक ज़रूर पहुँच जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की ज़मीन बेस्ट के कदमों से महरूम नहीं रहेगी, ना ही वहाँ के दरिंदे मेरी वहशत से, इसने कहकर अल्लाफिस कहते कॉल डिस्कनेक्ट की। शाज क्या हो रहा है आलम, मेरे बेटे की कोई आवाज़ नहीं, वो ठीक तो है? आप जब से आए हैं वो खामोश हो गया है, वो इतना तो नहीं सोता, मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं। वो कहाँ है, मुझे पहले इसे देखना है, बेचैनी से बोचार सवाल करती हुई वो बड़ा सा ब्लैक दुपट्टा सर पर ठीक कर से टिकाए कोशिश में झुंझुलाई हुई लाउंज में आई। हालांकि इतनी देर से अपने बेटे की खामोशी पर तड़प उठी थी। एक ही सांस में किए गए सवाल पर सईद की नज़र इस पर उठी और वहीं उठती रह गई। सामने ही वो सहरा ब्लैक घेरदार फ्रॉक जैसे बॉर्डर पर शीशे का काम नफीस से हुआ था और साथ सिल्वर वाइट की कढ़ाई जो दुपट्टे पर भी खूबसूरती से की गई थी, जिसे संभालते वो हकीकतन कोई आसमान से उतरी हूर ही लग रही थी। सिर्फ फर्क था कि इसकी आंखों पर सफ़ेद पट्टी थी जो इसे कोई पूरे सरार सी हूर का भेज दे रही थी। कहाँ है आप, हमारा बेटा कहाँ है? आलम मुझे इसे उठाना है, इसे फीट करवाना है, इसने क्लोन की खुशबू को महसूस करते हुए उसकी मौजूदगी पाकर जवाब ना देने पर गुस्सा हो गई। ममता जो तड़प उठी थी रिलैक्स होश में आते इसने गला खंगार कर मुतबस्सम लहजे में सर्जिश की। कैसे? नाश्ता कर लो फिर इससे मिल लेना, वो पास ही है, कहते लहजे में गोया होता इसे बाजू के सार मिल आकर चेयर पर बिठाया। मैं नाश्ता कैसे कर सकती हूँ आलम, मेरे हलक से नहीं उतरेगा, पहले मुझे मेरा बच्चा तो दे। इसने कुछ नहीं खाया, आप समझे प्लीज, उसके नवाले पर चेहरा मोड़ती बढ़ाई आवाज मिलते जाया हुई। इसकी बात पर गहरा सांस खारिज करते आलम ने निवाला प्लेट में रखा और इसका गाल को उंगलियों से सहलाया। मैंने सुबह यहाँ के मशहूर डॉक्टर के नुस्खे पर मंगवाया गया दूध पिलाया है और अब वो आराम कर रहा है, इसीलिए तुम भी आराम से खाओ, बेशक नाश्ते के बाद तुम्हारा बच्चा सालम तुम्हारी गोद में होगा, बशर्ते तुम अब रिलैक्स होकर नाश्ता करो। अगर खुद को भूखा रखा ये जो रात से पास नहीं दिन को भी मसूल नहीं होगा, सो शाबाश, वो किस अंदाज में इसे ब्लैकमेल कर रहा था और इल्तिजा के लिए जो तीखे अल्फाज इस्तेमाल करने वाली थी जिद करने वाली थी घंसी रह गई। और आलम इसे सकते में देखकर खुद ही दूसरे हाथ से इसका मुंह खोलता निवाला रख कर माथे पर झुक कर लब रखे। तुम्हारी तारीफ के लिए आज भी कोई लफ्ज नहीं और मुझे मालूम है तुम अल्फाज की मोहताज नहीं, सरगोशी से कहते ने दूसरा निवाला मुंह में डाला और वो बमुश्किल हरक से उतारती दूसरा खाने लगी। कैसा जालिम था, इसके नन्हे से बच्चे को बाहर का दूध पिलाकर इसे पोस कर रहा था जैसे बहुत ही कोई टॉप काम कर लिया है और अब वो इसे इस काम के शान के हिसाब से हार पहनाएगी। अब घर कब चलेंगे,
वो अपने बच्चे के इंसाफ के लिए जल्द ही सुमैया के पास पहुंचना चाहती थी ताकि इसका बच्चा इसके जुल्म से महफूज रहे, जबकि दूसरी तरफ इसका जो अपने बच्चे के लिए साथ-साथ का इंकशाफ हुआ था इस पर सुन थी। जानती थी वह जुनूनी है, शिद्दत पसंद है, पर इस कदर होगा कि अपने बच्चे के साथ ही ये गैरों वाला सलूक। आप जानते हैं वह महज कुछ माँ का है, इसके लिए दूध नुकसानदेह साबित हो सकता है, फिर आप कैसे कर सकते हैं, जूस का घूंट भरते हुए तासुर से कह रही थी। तुम डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर सब जानते हैं, उन्होंने जो लिख कर दिया वो इसकी एज के हिसाब से दिया है, फिक्र मत करो इस नमूने को तुमने जाना नहीं है, इसके लिए कह रही हो। मेरी आंखों से पहचानो पूरा शैतान है जिसे तुम जन्म देकर बैठी हो, वो सर बेलचक लहजे में गोया हुआ। तो बस तकवीरुल्ला क्या कह रहे हैं आप आलम, मेरे मासूम बेटे को शैतान कह रहे हैं, आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं, वो कितना मासूम है। वो एकदम रोने के लिए तैयार थी, भड़क उठी। यही हकीकत है डार्लिंग, सांस खारिज करते आलम ने इसका सर अपने सीने से लगाया। एक बात सुने, अपने बच्चों के लिए माँ ही डॉक्टर वकील उस्ताद सब कुछ होती है, तो आप मुझे ऐसा ताना मत दें, अगर मेरा बेटा आपको पसंद नहीं तो भले एक नहीं सो सुनाओ, पर इस वक्त वकालतनामा बंद करो, खामोशी से नाश्ता करो, आइंदा खबरदार। जो मेरे सामने इस फितने का केस खोला, इसके सर्द लहजे में कहते सख्त जरिश से गुस्सा आया और वह एकदम घबरा कर खामोश हो गई। इसके मुताबिक नाश्ता करके जब उठी तो इसने आगे बढ़कर इसका हाथ, इसका चेहरा हाथों में भरा और पट्टी के पीछे दोनों मुंदी आंखों पर लब रखते खुद से लगाया, अपने दावे मत भूलो, सिर्फ मेरी हो। झुककर जिसारत करके इसने मुरझाए चेहरे पर सुर्ख गुलाब बिखेर दिए। वो गाल थपथपाकर बेबी कॉट में पड़े बेटे की बेबसी पर एक जताती काटदार मुस्कुराहट उछालते इसके मुंह से टेप हटाया और इसका हटाना ही था, इसने गुस्से से खुद मुंह में से निप्पल लटखड़ा कर फेंका। दूसरे ही लम्हे घर पूरा इसकी चीखों से गूंज उठा। हुरुलैन तो हुरुलैन, सईद हैरत से शिद्दत इसके खुले हल को देख रहा था, जहां से जाने कैसे लाउडस्पीकर नुमा आवाज निकल रही थी। अल्लाह अल्लाह मेरा बच्चा, घबराई बखलाई हुर भागती बेबी कॉट तक पहुंची और झुककर बेटे को निकाला। अले मिला बच्चा, इसने खुद में समोते बेतहाशे इसके गाल आंखों नकूश को चूमते शुरू कर दिया और इसके इस वालाना मोहब्बत पर सही हक्का बक्का खड़ा इसे देख रहा था। अचानक इसे जलन का एहसास हुआ तो अपने हाथ के सिम देखा जहाँ खरोच थी। इसकी नजरें हुरुलैन की सिम उठी तो सामने वाले मंजर पर सईद आलम की दिमाग की रगे चीख उठी, अपनी हद में रखो इसे। दोनों की आपस में वलहना मोहब्बत से जलता कुड़कर वो बुनाकर बोला, पर इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर हुलुलैन ने इसे सीने से लगाए सोफर पर बैठती और आंचल में छुपा लिया। सईद ने एक मिनट किया, सेकंड भी वहां खड़ा रहना बर्दाश्त ना हुआ और मुठिया भीजता वहां से निकला, जबकि इसके माथे की रगे उबल कर फटने तक आ गई थी। बस नहीं चल रहा था उठाकर इसे बाहर गली में फेंक देता, पर मजबूर था क्योंकि वह इसका खून था, खुद ही बाहर चक्कर काटता लब भीजते हुए था। नजरों के सामने बार बार इस छोटे से फितने की जलाती मुस्कुराहट घूम रही थी, जो अपनी माँ के बोसे और मोहब्बत पाते इसकी बुरी आंखें सईद की सिंध उठी और लबों पर मुस्कुराहट फैली। इस लम्हे सईद को वो कोई डेवल लगा, इसकी खुशियों का दुश्मन। सबसे ज्यादा तो इसे गुस्सा माँ दोनों माँ बेटे के गाल में उभरते हुए डिम्पल्स पे आ रहा था। बेसाख्ते ही इसके हाथ अपने गाल की तरफ उठे और जिंदगी में पहली बार सईद आलम ने अपने चेहरे को छूकर किसी कमी को महसूस किया था। वो जब अपनी आंखों से इसके डिम्पल्स देखेगी तो एक सोच इसके दिमाग में आई, वो बेचैन हो हुआ था। इसके हुक्म से लाया गया सिगार लाजिम से लेते इसने लबों में दबाया। जाओ तुम, सर्द लहजे में इसने अपने आदमी से कहा और मुद्दम वहां से चला गया। और सही ने आसपास नजरें दौड़ाकर जब वहां किसी को ना पाया तो मोबाइल जेब से निकालते हुए इसने कैमरा में अपना चेहरा देखा। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, एक उलझती भटकती सोच इसके दिमाग के पर्दों पर लहराई। और ये वाही शख्स था जिसने सईद आलम को आईना दिखने में बल्कि अपनी सूरत जांचने पर मजबूर किया था। अंदर के माहौल का सोचते इसने बस बात नहीं की थी, वरना वो आपे से बाहर होकर कुछ भी कर गुजरने पर आ रहा था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, फी मानिला।